नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडेंसर। कंडेंसर, अब कंडेंसर क्यों यूज करते हैं इसको देखते हैं, इसके यूज करने के प्रॉफिट क्या होता है ये देखते हैं। तो पहले मैं जो भी हमारा डायग्राम है ये बना देता हूँ। ये हमारा एक सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा यूज नहीं किया है। ये हमारा पंप हो गया, नेक्स्ट हमारा बॉयलर एंड देन टरबाइन एंड सबसे लास्ट में कंडेंसर। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये हमारा फ्लो कुछ इस तरह से हो रहा है। अब देखें हम कंडेंसर यूज क्यों करते हैं इसको हमको समझना है। तो पहले मैं इसका टीएच डायग्राम बना देता हूं। तो ये हमारा कुछ टीएच डायग्राम है। वन टू थ्री। अब कंडेंसर यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी वाटर हमको मिल रहा है यहाँ टरबाइन से, तो इसको हम क्या करते हैं डायरेक्टली हम बॉयलर में सेंड कर देते हैं। अब बॉयलर में हम सेंड कर देते हैं, इसका क्या फ़ायदा हुआ, हम मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम डिमिनलाइज वाटर सेंड करते हैं, इसमें हम डीएम वाटर सेंड करते हैं, काफ़ी सारा ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद हम बॉयलर में सेंड करते हैं। लेकिन अगर हम यही वाटर यूज करते हैं तो ये वाटर तो हमारा पहले से डीएम वाटर है, तो इसको हम अगर यहाँ से डायरेक्ट सेंड कर देंगे तो हमको एक्स्ट्रा वाटर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको वाटर ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से सेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको कुछ मेकअप वाटर तो यूज करना होता है, तो हमको केवल और केवल मेकअप वाटर सेंड करना पड़ेगा। हमारी काफ़ी कॉस्ट बच जाती है। बस क्यों जाती है, क्योंकि हम मोस्टली वाटर यहीं से सेंड कर देते हैं। तो अगर हम इसको पॉइंट से समझें तो पहला पॉइंट यही हो गया हमारा कि हाई क्वालिटी वाटर इज फेड अप। हाई क्वालिटी वाटर का यूज हम कर लेते हैं, इसको हम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर हम कंडेंसर नहीं लगाते इसको हमको वेस्ट करना पड़ता और अलग से हमको वाटर ट्रीटमेंट करके वापस सेंड करना पड़ता। तो कंडेंसर यूज करने का हमारा मेन रीज़न यही है। तो अब देखें एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो भी हमारा वाटर ट्रीटमेंट का खर्चा होता है, जो भी कॉस्ट उसकी आती वो भी हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, हमको केवल और केवल मेकअप वाटर की कॉस्ट देनी पड़ेगी और हमको जो भी बाकी वाटर है इसको नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरह से हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है, हमको केवल मेकअप वाटर की कॉस्ट लगेगी। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखें जो हमारा कंडेंसर प्रेशर होता है काफ़ी कम होता है, ये करीब 0.074 बार के आसपास हो सकता है। मतलब क्या हुआ, हम एटमॉस्फेयर से काफ़ी कम प्रेशर तक एक्सपेंशन करा सकते हैं। मीन्स अगर हमारा एटमॉस्फेयरिक प्रेशर यहाँ पे है, इसको मैं रेड से बनाता हूँ, अगर यहाँ पे है तो हम इससे यहाँ तक एक्सपेंशन करा सकते हैं। तो इससे होगा क्या, हमारा इतना जो वर्क आउटपुट है हमको ज़्यादा मिलेगा, तो हमारा वर्क आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। अब वर्क आउटपुट इंक्रीज होगा, इसके क्या फ़ायदे होंगे, हमारा जो वर्क आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो इससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, प्लस हमारा जो मास फ्लो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा फॉर सेम स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। तो हमको ये फायदे एक्स्ट्रा में होने हैं। तो नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो अगर इस वाटर को हम बाकी जो हमारे सोर्स है यहाँ पे हम ड्रॉप कर देते हैं, इससे क्या होता, थर्मल पॉल्यूशन होता। थर्मल पॉल्यूशन मीन्स क्या, जो भी लेक वगैरह होती उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता। अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज अगर करता तो जो भी उसमें क्रिएचर्स होते हैं वो उनकी डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो एक ये हमको प्रॉफिट होता है, थर्मल पॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है कंडेंसर यूज करने से। नेक्स्ट इसमें हमारे कंडेंसर में कुछ डेटा है जो नोट्स आपके पास होगी, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसको एक बार आप पढ़ लें। हालांकि ज़्यादा कोई यूज कर नहीं है, पर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको एक तरह से आइडिया हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, केवल उसमें डेटा दिया गया है, तो डेटा आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडेंसर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर हमारे दो तरह के होते हैं। जो हमारा पहला होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, एंड जो दूसरा होता है वो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट इसका मतलब क्या,
अब देखें जो हमारी टरबाइन है इससे हमारी स्टीम निकलती है, तो स्टीम क्या होती है कंडेंसर में जाती है एंड यहाँ से कूल होके यहाँ वापस पंप में वापस जाती है, मीन्स वाटर में कन्वर्ट होके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से कूलिंग वाटर प्रोवाइड कराते हैं, कूलिंग वाटर कंडेंसर में जाता है एंड स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब क्या हुआ हमारी जो कंडेंसर होता है इसमें स्टीम एंड कूलिंग वाटर की हम बात करेंगे तो जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप का कंडेंसर होता है इसमें हमारी जो स्टीम होती है एंड कूलिंग वाटर इन दोनों की डायरेक्ट मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग होने के बाद इनका यह वाटर टोटल बन पाता है और जो हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप होता है इसमें इनकी मिक्सिंग नहीं होती है, इनके बीच कोई मीडियम होता है उस मीडियम से इनका हीट ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट मतलब मिक्सिंग हो जाती है। इनडायरेक्ट कंडेंसर को हम सरफेस कंडेंसर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सरफेस यूज होती है, देखें कैसे। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टाइप कंडेंसर। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टाइप कंडेंसर की तो ये तीन तरह के होते हैं हमारे, पहला जो होता है हमारा स्प्रे कंडेंसर होता है, दूसरा जो होता है हमारा बैरोमेट्रिक कंडेंसर एंड जो थर्ड होता है वो जेट कंडेंसर। तो पहले हम बात करते हैं स्प्रे कंडेंसर की, स्प्रे कंडेंसर और जैसे इसका नाम ही बता रहा है क्या स्प्रे मीन्स इसमें कुछ स्प्रे होना है। तो देखते हैं हमारा जो कंडेंसर है कुछ इस तरह से हो सकता है, इसमें हमारी जो स्टीम आती है यहाँ से हमारी स्टीम एंट्री करती है एंड यहाँ पे हमारी पाइपिंग अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा होता है। ये वाटर कहाँ से आता है कूलिंग टावर से आ सकता है एंड यहाँ पे हमारा हॉट वाटर कलेक्ट होता है एंड ये कलेक्ट होके कहाँ जाता है फीड वाटर साइड जाता है। सो देखें हमारा स्प्रे कंडेंसर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कई सारे ऐसे पार्ट्स लगे होंगे, यहाँ से हमारी स्टीम एंट्री करती है एंड यहाँ से हमारा कोल्ड वाटर एंट्री करता है। अब समझे इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसमें क्या होता है स्टीम हमारी यहाँ से एंट्री करेगी एंड कोल्ड वाटर यहाँ से एंट्री करेगा। अब इन दोनों यहाँ पे क्या करेंगे कॉन्टैक्ट में आएंगे, कॉन्टैक्ट में आएंगे तो कोल्ड वाटर जो है वो स्टीम से एनर्जी कुछ ले लेगा एंड इसको भी स्टीम इसको भी वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाटर यहाँ पे कलेक्ट होता है, यहाँ पे ये हॉट वाटर वेल होती है, हॉट वाटर वेल में ये कलेक्ट हो जाएंगे एंड यहाँ से ये वापस जो भी फीड वाटर सिस्टम होता है वहाँ पे ये सेंड कर देगा इसको फीड वाटर सिस्टम। अब एक चीज़ और हो सकती है, जैसे अगर यहाँ पे हमने कूलिंग टावर यूज़ किया है तो कूलिंग टावर में क्या होगा, ये कूलिंग टावर यहाँ पे लगा होगा तो होगा क्या कुछ पार्ट जो भी ये हमारे वाटर निकल रहा है कुछ पार्ट इसमें से यहाँ चला जाएगा एंड यहाँ से जो भी कूलिंग टावर होता है उसमें जो प्रोसेस होती है तो वहाँ से ये ठंडा होके यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से हॉट वाटर जाएगा एंड यहाँ से कोल्ड होके वापस इसमें चला जाएगा। तो ये हमारा पहला टाइप का कंडेंसर होता है स्प्रे कंडेंसर, इसका स्प्रे यही बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्प्रे होता है। अब अगर इसका हम टीएस डायग्राम बना के देखें तो ये हमारा डोम हो गया, हमने क्या किया ये हमारा कंडेंसर यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ से हमारा कंडेंसर स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे हुआ तो ये जो स्टेट है यहाँ पे देखें ये स्टेट टू पॉइंट है, अगर ये टू है और जो हमारे कोल्ड वाटर है इसको मान लेते हैं फोर है, फोर कोल्ड वाटर की स्टेट है तो ये करीब यहाँ करीब हो सकती है यहाँ पे फोर है। तो फोर एंड टू ये दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा इसको हम थ्री बोल सकते हैं, तो यहाँ पे थ्री बनाते हैं तो टू एंड फोर मिलके थ्री बनाते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कितना पार्ट्स लगना है तो देखिए अगर यहाँ पे हमारा मास m तो अगर हम मास को m से दिखाते हैं एंथैल्पी को s से दिखाते हैं तो हम मास कंजर्वेशन से क्या कर सकते हैं m3 इक्वल टू m2 प्लस m4 ये हम लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम एंथैल्पी बैलेंस अगर करें तो लिख सकते हैं क्या m2 h2 इक्वल टू m3 सॉरी m3 s3 होगा इक्वल टू h2 m2 प्लस m4 h4 ये हम लिख सकते हैं एंथैल्पी बैलेंस से, मीन्स ये इसकी एंथैल्पी प्लस इसकी एंथैल्पी इक्वल टू इसकी एंथैल्पी। तो
जो हमारा M3 है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो इस रिप्लेस कर देते हैं, ये बन जाएगा M2 प्लस M4 H3 इक्वल टू H2 M2 प्लस H4 M4। अब यहाँ से जो हमारा M2 वाला पार्ट है इसको अलग ले जाते हैं, M4 वाला अलग ले जाते हैं, तो इसको हम इधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा M2 H3 माइनस M2 H2 इक्वल टू M4 H4 माइनस ये M4 H3। तो यहाँ से हम M2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बनेगा H3 माइनस H2, एंड ये बनेगा M4 कॉमन लेंगे तो H4 माइनस H3। यहाँ से M2 बाई M4 निकाल सकते हैं जो कितना आएगा H4 माइनस H3 अपॉन H3 माइनस H2। अब देखें जो हमारा H4 माइनस H3 है मीन्स ये क्या होती है हमारी सेंसिबल हीट होती है, एंड जो H3 माइनस H2 है ये क्या होती है लेटेंट हीट। तो हम जानते हैं लेटेंट हीट हमारी सेंसिबल हीट से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मीन्स के इससे क्या होगा जो हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पे ये ज़्यादा होगा एंड ये कम होगा, तो मीन्स जो हमारा M4 है ये काफ़ी ज़्यादा होगा M2 से, क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट काफ़ी ज़्यादा होती है सेंसिबल हीट से। तो इससे हम क्या रिजल्ट देख सकते हैं कि हमको जो हमारा कूलिंग वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा हमको भेजना पड़ेगा, कूलिंग वाटर काफ़ी ज़्यादा होगा और स्टीम कम होगी, तो स्टीम की वैल्यू कम होगी एंड कूलिंग वाटर ज़्यादा होगा, मीन्स ये ज़्यादा होगा एंड स्टीम की वैल्यू कम होगी, रिजल्ट हो गया। अब देखें जो हमारा स्प्रे कंडेंसर है या डायरेक्ट बोले इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है, इन दोनों की डायरेक्ट मिक्सिंग होती है, तो ये हमारा कूलिंग वाटर है इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी हमारा डीएम वाटर ही होना चाहिए, तो ये हमारा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग होनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरोमेट्रिक कंडेंसर की, बैरोमेट्रिक कंडेंसर इसमें क्या होता है इसके हम फिगर समझते हैं इसको। यहाँ पे हमारा एक बॉक्स होता है ये कुछ इस तरह का, इसमें हमारे कई सारे वेफल्स लगे होते हैं, वेफल्स लगाने का मतलब क्या, वेफल्स ऐसे कुछ प्लेट्स टाइप की होती हैं, इसके लगाने का मतलब क्या होता है जब भी वाटर पार्टिकल्स होता है वो इस पर जब गिरेगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं वाटर की एंट्री कराते हैं एंड यहाँ से हम स्टीम की एंट्री कराते हैं, तो होगा क्या वाटर यहाँ से नीचे गिरेगा एंड इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और स्टीम यहाँ से ऊपर जाएगी एंड ऊपर जाते ही इसके कॉन्टेक्ट में आएगी एंड ये दोनों हॉट वाटर बनेंगे एंड ये हॉट वाटर नीचे एक पाइप से नीचे चला आएगा। अब ये पाइप क्या होगा नीचे यहाँ पर हॉट वाटर वेल होगी, हॉट वाटर वेल एंड इस वेल में ये जो इसका इन दोनों का मिक्सचर होगा वो कलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें जैसे कुछ नॉन कंडेंसेट भी होते हैं जिनका कंडेंसेशन नहीं होता है उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, नॉन कंडेंसेट। एक चीज़ देखिए जो मैंने अभी पिछला केस बताया वहाँ भी हमारे नॉन कंडेंसेट निकलते हैं तो वहाँ भी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, मैंने वहाँ पर आपको बताया नहीं पर ये भी वहाँ पर भी होता है। वर्किंग में कुछ नहीं है, जो हमारा वाटर है यहाँ पे जाएगा बेफल्स पे गिरेगा एंड क्या होना है इसमें इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ये इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, इन दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सिंग जो मिक्सर बनेगा वो नीचे आएगा, ये पाइप से नीचे पहुँच जाएगा। अब ये पाइप क्यों लगाते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एंड जो यहाँ पे हमारा प्रेशर होता है वो कंडेंसर प्रेशर होता है। तो ये जो हमने यहाँ पे लगाया है जो लंबी पाइप इसका पर्पज ये होता है कि हम यहाँ पे प्रेशर बैलेंस कर सके, मीन्स यहाँ पे प्रेशर निगेटिव होता है तो हमको क्या करना होता है इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिलीज करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ये पाइप लगा देते हैं। तो अब देखें अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो अगर प्रेशर बैलेंस करें तो यहाँ पर अगर देखें पी ए टी एम जो हमारा है ये किसके इक्वल होगा, ये जो हमारा कंडेंसर प्रेशर है यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा प्लस जो भी इतना प्रेशर रहेगा इस पाइप के कारण ये कितना होगा रो जी एच, रो क्या है यहाँ पे जो भी यहाँ पे मिक्सचर आएगा उसकी डेंसिटी है, जी तो आपको पता है एन एच इसकी हाइट है, माइनस प्रेशर लॉस। और प्रेशर लॉस क्या होगा जो भी पाइप में फ्लो होगा मिक्सचर का इसके कारण कुछ प्रेशर लॉस भी कुछ लॉस भी होगा तो वो यही लॉस है। तो अब हम क्या करें सारी वैल्यू रख दें, हमको पी ए टी एम की वैल्यू पता है 101.1 KPa, कंडेंसर प्रेशर पता होता हमको
0.074 बार के आसपास होता है, इसको आप किलोपास्कल में कन्वर्ट कर लें। रो जी की वैल्यू पता है कितनी है, 9810 के आसपास होती है। एच की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लॉस भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, लॉस भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर अगर नहीं निकाल सकते 0 के इक्वल लगभग कर दें। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल दें तो ये करीब 9.8 मीटर के आसपास आती है। 9.8 मीटर आप समझ रहे हैं कितना होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 10 मीटर की पाइप लगाना है जो काफ़ी हैवी होल स्ट्रक्चर इसका हो जाता है, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे कंडेंसर की पाइप इतनी बड़ी पाइप हम कहाँ से लगा पाएंगे, सो इसको यूज नहीं करते। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जेट कंडेंसर होता है इसका यूज करते हैं। जेट कंडेंसर और कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है वही होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो इसका शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह शेप का होता है। यहाँ पे हमारे कास्केड्स लगे होते हैं, कास्केड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बफल्स होते हैं एरिया बढ़ाने के लिए, यहाँ पे क्या होते हैं कास्केड्स होते हैं। कास्केड्स लगाने का पर्पज यही होता है एरिया इंक्रीज हो जाए। यहाँ से हमारी जो स्टीम है वो एंट्री करती है एंड यहाँ पे हमारा वाटर एंट्री करता है। तो अब ये वाटर यहाँ गिरेगा, इसका एरिया बढ़ेगा, इसी में कॉन्टेक्ट में आएगा, तो बाकी पूरी प्रोसेस यही है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा हॉट वाटर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद जब नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो इससे होता है क्या, हमने यहाँ पे इसका एरिया लगातार इंक्रीज कर रहा है, मीन्स यहाँ पे डिफ्यूजर इफेक्ट आ गया। डिफ्यूजर इफेक्ट मीन्स यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो हम इसकी हाइट कम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो लंबी पाइप कर रहे थे इसका मेन पर्पज क्या था, प्रेशर इंक्रीज करना, लेकिन डिफ्यूजर भेट कारण बहुत जल्दी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इससे हमारी जो लेंथ है पाइप की वो कम हो जाएगी। तो इसलिए जेट कंडेंसर हम यूज करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमको जेट कंडेंसर से, जो हमारा जो इसका कंस्ट्रक्शन होगा कंडेंसर का काफ़ी कॉम्पैक्ट होगा, किसके कंपेरिजन में, जो हमारा बैरोमेट्रिक कंडेंसर है इसके कंपेरिजन में काफ़ी कॉम्पैक्ट होना है। लेकिन जो ये तीनों टाइप की कंडेंसर है इसमें एक प्रॉब्लम यही आती है कि इसमें मिक्सिंग होनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, इससे होगा क्या, जब भी हम कूलिंग वाटर यहाँ से डाल रहे हैं तो इसका जो क्वालिटी होगी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, डीएम वाटर होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनडायरेक्ट टाइप या सरफेस कंडेंसर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस कंडेंसर के बारे में, सरफेस कंडेंसर या फिर इनडायरेक्ट कंडेंसर। तो आप समझ गए इसका मतलब क्या है, इसमें वाटर एंड स्टीम का कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो जो हम अगर हम सरफेस कंडेंसर की बात करें तो इसमें भी अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें सिंगल पास, डबल पास, ऐसे टाइप्स चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिंगल टाइप्स की, तो ये अगर हमारा कंडेंसर है, इसमें क्या होता है, हमारे वाटर बॉक्स बने होते हैं साइड में, ये हमारे वाटर बॉक्स होते हैं एंड जो हमारी ट्यूब्स होती है वो कुछ इस तरह से होती हैं। सिंगल पासिंग में एक एंड से दूसरे एंड तक ही पाइप जाती है। तो ये हमारे क्या है, वाटर बॉक्स, ये क्या है हमारा वाटर बॉक्स एंड ये हमारे क्या है ट्यूब्स। तो होता क्या है, जो हमारी स्टीम होती है वो ट्यूब्स के बाहर फ्लो करती है एंड जो हमारा वाटर होता है वो ट्यूब के अंदर फ्लो करता है। तो जब इन दोनों का कांटेक्ट होगा तो हीट का ट्रांसफ़र होगा एंड हीट का ट्रांसफ़र होगा, सो हमारी जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी हॉट वाटर में। तो यहाँ से अगर कोल्ड वाटर जा रहा है, यहाँ से हमारा हॉट वाटर निकलेगा एंड जो हमारी स्टीम जा रही है वो स्टीम का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो अगर ये हमारा ऐसे इसको बना दे, टर्बाइन का एग्जॉस्ट है, यहाँ से स्टीम है वो यहाँ से जाएगी एंड यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमको हॉट वाटर मिलेगा। सो इस टाइप के कंडेंसर को हम सिंगल पास बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पास ही है। बाकी चीज़ें जैसे आप बनानी है, आप इसका पूरा डायग्राम बना सकते हैं, ये इनलेट या आउटलेट, यहाँ से इनलेट कर सकता है, यहाँ से आउटलेट, तो ये बाकी तो आपको नहीं, तो बाकी चीज़ें आप खुद से सोच सकते हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, बस आप कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है। अगर हम बात करें डबल पास की, ये कौन सा है, हमारा सिंगल पास है। अगर हम डबल पास की बात करें तो सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन उसका भी होता है, यहाँ भी हमारे वाटर बॉक्स लगे होते हैं। डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं, तो हमारा जो ट्यूब्स होती हैं
वो एक यहाँ से यहाँ तक जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक जाती हैं। इसके बाद ये जो इसका वाटर है ये वापस बैक करेगा, एंड ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मीन्स जो फ्लो हो रहा है उसको समझें। जो फ्लो हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट अगर कर रहा है तो यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, एंड यहाँ जाने के बाद फिर से क्या करेगा, वो यहाँ से वापस आ जाएगा। मीन्स एक फ्लो ऐसे हो रहा है, एक ऐसे, एक फ्लो ऐसे हो रहा है, दूसरा फ्लो ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी दो पासिंग है, मीन्स पहले तो इस एंड से इस एंड तक जा रहा है, एंड इस एंड से फिर इस एंड तक जा रहा है, तो इसको हम डबल पास बोलते हैं। यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ से हमारी स्टीम एंट्री करेगी, एंड यहाँ पे हमारा कलेक्शन हो जाएगा, इसको हम हॉट वाटर कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमारा इनलेट होगा, यहाँ से आउटलेट होगा। तो ये हमारा डबल पास, ये हमारा सिंगल पास। अब जो हमारा सिंगल पास एंड डबल पास, इनमें डिफरेंस की अगर बात करें तो जो हमारा सिंगल पास होता है उसमें अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है, मींस टेम्परेचर सेम है, कितना इंक्रीज करना है, स्टीम का टेम्परेचर सेम है, वाटर का टेम्परेचर सेम है, सब सेम है, तो हमको सिंगल पास में लगभग डबल वाटर लगना पड़ता है। मींस अगर हम वाटर की बात करें, कूलिंग वाटर की, तो सिंगल पास में लगभग डबल होता है, डबल पास से। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर सिंगल पास में कम होता है एज कम्पेयर टू डबल पास। तो ये चीज़ें होती हैं। अब डेटा है, डेटा आप देख सकते हैं, बुक्स वगैरह में लिखा होता है, पर इतना आप जान सकते हैं। अब जो हमारा सिंगल पास होता है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारी प्लांट की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा तो होती है, लेकिन इससे हमारा थर्मल पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। थर्मल पॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक ले गए, इसको छोड़ दिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चलाते हैं, फिर इसको दोबारा भी यूज करते हैं, तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। अब ये जो हमारी ट्यूब्स होती है, इसकी लेंथ हमारी 9 मीटर टू 15 मीटर तक की हो सकती है, तो इतनी लंबी होती है। तो क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक पाइप गया तो स्टार्टिंग में यहाँ तो हमारा हीट ट्रांसफ़र सही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं तो हीट ट्रांसफ़र हमारा कम होने लगता है। तो हीट ट्रांसफ़र जब कम होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो कोल्ड पॉइंट्स होते हैं वहाँ तक तो ठीक है, कम स्पेसिंग होती है, लेकिन जो हॉट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर हम स्पेसिंग कम कर देते हैं। ये हॉट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम स्पेसिंग इंक्रीज कर देते हैं, इन कोल्ड पॉइंट से हमारी स्पेसिंग कम ही रही आती है। तो हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हीट ट्रांसफर जैसे से हम आगे बढ़ते हैं तो कम होते जाता है। सो ये हमारे कंडेंसर के टाइप्स हो गए, इतने टाइप्स के कंडेंसर होते हैं, आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। एंड अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इसके, तो आप हीट ट्रांसफर के न्यूमेरिकल करें। अब क्योंकि ये हमारे जो सुपर हीटर एंड कंडेंसर हैं, ये एक तरह से हीट एक्सचेंजर ही हैं, तो अगर आप हीट एक्सचेंजर के न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो इसके न्यूमेरिकल भी आपसे बन जाएंगे। आपको सेम अप्रोच वही रखनी है जो आपको हीट एक्सचेंजर में रखनी है। तो अगर आपने हीट एक्सचेंजर के न्यूमेरिकल कर लिए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें इसके मटेरियल से पूछ सकता है, कंडेंसर में मटेरियल कौन सा यूज होता है। तो जो मटेरियल यूज होते हैं तो अब यहाँ पे बताने को तो कोई मतलब नहीं है, आप उसको नोट से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बताऊँगा तो एक ही चीज़ है, आप उसको डायरेक्ट नोट से पढ़ लें। यहाँ से हमारा कंडेंसर भी एंड हो जाता है।